नमस्कार, न्यूज मिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनोज चहल। प्रेस कॉन्फ्रेंस, गौतम गंभीर नए हेड कोच टीम इंडिया के बने हैं और साथ ही साथ चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है थोड़ी देर पहले। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मुख्य बातें हैं, जो बड़ी बातें हैं, वो आपको हम बताने वाले हैं। आपको बता दें कि मुंबई में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ठीक श्रीलंका दौरे से पहले। भारतीय टीम को रवाना होना श्रीलंका के लिए, लेकिन उससे पहले कई सारे सवाल थे और तकरीबन हर एक सवाल का जवाब दिया है इनफैक्ट गौतम गंभीर ने भी और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने भी। रोहित विराट के ऊपर सवाल पूछा गया, वो भी सवाल का जवाब दिया। भाई शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया, उसका जवाब भी दिया। साथ ही साथ हार्दिक पांड्या को क्यों कैप्टनसी से हटाया गया, उस पर भी बात की है। साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड को लेकर उन पर भी बात हुई है। तो एक ही करके आपको चार से पांच ऐसी बड़ी बातें बताएंगे जो गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि टीम इंडिया के लिए ये दौरा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर तीन वनडे और तीन T20 मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मुंबई में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और गौतम गंभीर मौजूद थे और कई सारे सवालों के जवाब दिए उन्होंने। और साथ ही साथ बता दें कि आपको कि यहाँ पर तो सबसे पहला सवाल था शुभमन गिल को क्यों कैप्टन बनाया गया है, इनफैक्ट वाइस कैप्टन बनाया गया टीम इंडिया का। शुभमन गिल को लेकर कहा गया कि हमें लगता है कि वो तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं और उन्होंने पिछले एक साल में कई क्वालिटी दिखाई है और ऐसा हम ड्रेसिंग रूम से सुनते हैं और उन्होंने कप्तानी कुछ अच्छी हमें क्वालिटी दिखी है उसमें और इसीलिए हमें और अनुभव के देने की कोशिश करना चाहते हैं। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो क्वालिटी दिखाई है, चाहे उन्होंने गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी की हो, शुभमन गिल ने कुछ मैचेस में क्वालिटी दिखाई है। और खासकर IPL की बात करते हैं, गुजरात टाइटंस के लिए वो कैप्टन थे और इसके अलावा अगर देखा जाए रिसेंट सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे, 4-1 से टीम इंडिया ने सीरीज जीती थी, 4-1 से सीरीज जीती, तो उसमें शुभमन गिल टीम इंडिया के कैप्टन थे और उनमें वो क्वालिटी दिखती है कि वो वाइस कैप्टन बन सकते हैं और हो सकता है उनका फ्यूचर ब्राइट हो। और उसी को देखते हुए टीम इंडिया ने आप वो वाइस कैप्टन जो है शुभमन गिल को बनाया है। इसके अलावा अगर दूसरी बात देखें तो उन्होंने ऋषभ पंत और KL राहुल को भी सवाल किया और ऋषभ पंत लंबे वक्त से बाहर रहा है और इसलिए हम उसे बिना किसी बोझ के वापस लाना चाहते थे, ऐसा उन्होंने बताया। और कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय के बाद वापस आया हो, उसको धीरे धीरे योजना वापस लाने की जरूरत होती है। उसके बाद अजीत अगरकर ने KL राहुल पर कहा कि KL काफ़ी वक्त से T20 टीम का हिस्सा नहीं है, जबकि हार्दिक को चोट लगी तो हमें काफ़ी कंसर्न थे, रोहित खेल रहे थे जो बड़ी बात थी, बड़ी राहत थी। शुभमन गिल अब तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, जरूरी नहीं कि वो किसी कप्तान की तलाश कर रहे हों। हालांकि उन्होंने कहा गिल अब तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा जो बड़ी चीज़ थी वो थी अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग नहीं होगी टीम, या वनडे में नहीं। उन्होंने बेसिकली जो तीनों फॉर्मेट हैं वनडे, टेस्ट और T20, तो उन्होंने अलग 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 के ऊपर बात की कि अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग नहीं होगी टीम। गंभीर ने कहा कि हाँ, रोहित विराट और जडेजा के रिटायर होने से हम T20 के ट्रांजिशन फेज से इस वक्त गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तीन अलग अलग फॉर्मेट के लिए तीन अलग अलग टीमें रखने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा गौतम गंभीर ने कहा है। उन्होंने कहा कि अगरकर ने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेल सकता है तो वो शामिल हो जाएगा वनडे में। सूर्य कुमार यादव नहीं, KL राहुल, ऋषभ पंत और सुरेश अय्यर ही की का कमबैक हुआ है, सो ये अब तक T20 खिलाड़ी हैं। और रविंद्र जडेजा पर भी सवाल पूछा गया कि रविंद्र जडेजा क्यों ड्रॉप हो गए, तो अजय अगरकर ने कहा कि जड्डू और अक्षर दोनों को लेना बेकार है, ड्रॉप नहीं हुआ है, उनमें से किसी ने भी सभी तीन गेम नहीं खेले होंगे, अहम टेस्ट सीरीज आगे आ रही है, वह ड्रॉप नहीं किए गए हैं और वह स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे। यानी कि पूछा गया कि रविंद्र जडेजा को क्यों ड्रॉप किया गया, तो चीफ सेलेक्टर और नए हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि ड्रॉप नहीं किया गया है क्योंकि अक्षर और रविंद्र जडेजा दोनों एक जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन जो अपकमिंग टेस्ट सीरीज है वहाँ पर मौका मिलेगा रविंद्र जडेजा को, और कहा कि स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे वो, ये भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा और भी कई सारे सवाल पूछे गए, इनफैक्ट रोहित विराट को लेकर भी पूछा गया कि रोहित विराट का क्या फ्यूचर होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि रोहित विराट अगर फिट रहते हैं तो हो सकता है 2027 वनडे वर्ल्ड कप भी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो रोहित विराट को भी उन्होंने कहा, और यू नेवर नो, क्या पता इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए, क्योंकि अगले साल ही होनी है और वैसे तो अभी तक होस्ट नेशन पाकिस्तान है। अगर रोहित और विराट इसी टेम्परामेंट के साथ, इसी इंटेंट के साथ जो T20 में हमें दिखा है उसी के साथ खेलते रहे, तो यू नेवर नो, हो सकता है कि आपको 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक भी आपको ये दोनों खिलाड़ी दिख सकते हैं। और जहाँ तक बात है शुभमन गिल की, और शुभमन गिल को कहा कि भाई तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं और अच्छा लगता है शुभमन गिल का जो टेम्परामेंट है, जो उनकी टेक्निक्स है, और जिम्बाब्वे सीरीज में उन्होंने 171 बनाए थे, हाईएस्ट रन स्कोरर थे टीम इंडिया के लिए। और इसके अलावा और भी कई सारे सवाल पूछे गए, वहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि बुमराह
के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट उस पर अगर करने कहा कि देखिए बुमराह के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट अच्छा है लेकिन बल्लेबाजों के लिए अगर उनके पास अच्छी फॉर्म है तो उन्हें सभी मैच खेलने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुमराह खास प्लेयर है और हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, सिर्फ बुमराह नहीं बल्कि सभी तेज गेंदबाजों को वर्कलोड मैनेजमेंट अंदर होंगे, तो यानी कि बड़ी अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भाई जसप्रीत बुमराह कंसिस्टेंट खेल रहे थे टीम इंडिया के लिए, अब उनको ब्रेक दिया है और ब्रेक अच्छा भी, ना सिर्फ बुमराह बल्कि जो बाकी गेंदबाज हैं जो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आई थिंक खासकर तेज गेंदबाज के लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। और अभी खैर इसलिए बचा के रखा है क्योंकि जो अपकमिंग टूर्नामेंट्स हैं वो काफ़ी बड़े टूर्नामेंट्स आने वाले, क्योंकि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सीरीज खेलनी है, बड़ी बड़ी सीरीज खेलनी है, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है। बुमराह टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है, तो इंडिया नहीं चाहेगा अभी थोड़ा सा उनको विश्राम देगा, आराम देगा और उसके बाद एक नए फ्रेश होकर आएंगे जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया में। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये था कि सूर्य कुमार यादव, जी हाँ दोस्तों सूर्य कुमार यादव क्यों कैप्टन बनाया गया T20 फॉर्मेट का, इस पर भी उन्होंने बड़ा सवाल पूछा था, तो इस पर चीफ सेलेक्टर और गौतम गंभीर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए सूर्य कुमार यादव की जहाँ तक बात है, सूर्य कुमार यादव की वो एक हकदार उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि अर्न किया उन्होंने कैप्टनसी और वो बेस्ट खिलाड़ियों में से एक है, हार्दिक अभी भी हमारे लिए अहम खिलाड़ी हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट खिलाड़ी बनकर आएँ। फिटनेस एक जरूरी फैक्टर जरूर रहता है लेकिन दिक्कत रही है उनके साथ, फिटनेस एक साफ चुनौती और हम चाहते हैं कि कोई हर वक्त मौजूद रहे, यानी कि देखिए सूर्य कुमार यादव के और हार्दिक को लेकर यही कहा कि फिटनेस इशू, देखिए क्योंकि वो आपको दोस्तों याद होगा 2023 वनडे वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या को इंजरी हुई थी और जिसके चलते वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, तो यानी कि इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो वहाँ पर फिटनेस एक अभी फिलहाल क्राइटेरिया बताया गया कि फिटनेस को देखते हुए हमने सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया है T20 फॉर्मेट का। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हार्दिक पांड्या एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, एक बड़े खिलाड़ी हैं और टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर है और सबसे बड़ा गेम चेंजर मुझे भी ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या ही है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 में हमने देखा था जहां पर गेंद के साथ भी कमाल किया था और बैट के साथ भी कमाल किया था, लास्ट ओवर में 16 रन डिफेंड किए थे हार्दिक पांड्या ने, कमाल कर दिया उस मैच में, भारत T20 वर्ल्ड कप जीता लेकिन उसमें जो क्लासिक का विकेट था वो बड़ा विकेट था, वो हार्दिक पांड्या ने ही टीम इंडिया को वो सफलता दिलाई थी। तो फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि 5-6 ये बड़ी बड़ी बातें थी, चाहे बुमराह को लेकर, वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर, सूर्य कुमार यादव क्यों कैप्टन बनाया गया, शुभमन गिल को क्यों वाइस कैप्टन बनाया गया, इसके अलावा रोहित विराट पर भी उन्होंने बात की और साथ ही साथ इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज को लेकर भी बात की और उन्होंने कहा कि हम ये देखिए अब रोहित भी और विराट और रविंद्र जडेजा तीनों खिलाड़ी ये रिटायरमेंट ले चुके T20 फॉर्मेट से, तो ऐसे में हमारी टीम अभी ट्रांजिशन फेज से है लेकिन उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाएगी और श्रीलंका को क्लीन स्वीप करेगी। आज देखना बड़ा दिलचस्प हुआ कि 3 T20 मैचेस पहले हैं, उसके बाद 3 वनडे मैचेस हैं, ये हम आपको स्टार्ट भी दिखा रहे हैं, तो इनफैक्ट शेड्यूल इनफैक्ट भारतीय और श्रीलंका के बीच पहले 3 T20 मैचेस पल्ले के लिए खेले जाएंगे, उसके बाद 3 वनडे मैच आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में होंगे। लेकिन नए हेड कोच गौतम गंभीर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे सवाल किए गए और उनके जवाब भी आई थिंक आई होप सबके मिल गए होंगे। लेकिन अब जो पहला असाइनमेंट है टीम इंडिया का वो श्रीलंका दौरा है, क्या वहाँ पर टीम इंडिया बड़ी जीत हासिल करेगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और गौतम गंभीर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जिसमें चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रवाल भी मौजूद थे, गौतम गंभीर भी मौजूद थे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमने आपको सारे जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको बताए, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए।